आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। की किरतपुर में मिसाल कायम। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिजनौर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर किरतपुर के मोहल्ला बुदुपाड़ा में निवास कर रहे दो दिव्यांग भाइयों की, जिन्होंने किरतपुर में मिसाल कायम कर रखी है। आंखें ना होने के बाद भी राशिद ने इलेक्ट्रीशियन की दुकान खोल रखी, जिसमें वह टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, मोबाइल जैसी चीजें रिपेयर करके अपनी जीवन लीला चला रहे हैं। हमने जब दिव्यांग राशिद से काम करने के तरीके के बारे में जाना, तो आपकी आंखें ना होने के बाद भी कैसे काम कर लेते हैं, कैसे इलेक्ट्रीशियन चीजें कैसे रिपेयर कर लेते हैं, तो उन्होंने बताया जिसके पास अपनी आंखें नहीं होती उसके पास मन की आंखें होती है, जिससे वह सभी चीजें रिपेयर कर लेते हैं। दिव्यांग राशिद का यह भी दावा है कि जिस मिस्त्री से बिजली का कोई भी उपकरण रिपेयर ना हो, वह मुझसे आकर करा ले, यह चमत्कार है या गॉड गिफ्ट। हाँ, लेकिन यह राशिद के लिए तो एक गॉड गिफ्ट ही है। इन दिव्यांग का काम करने का तरीका दूर दूर तक जिला बिजनौर में मशहूर है और लोग इनका काम देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। इसके बावजूद भी सरकार की उन्होंने काफी शिकायत कैमरों के सामने बताई। उन्होंने बताया उनके पास आज भी सरकार की चलाई जा रही योजना का कोई भी लाभ नहीं उन्हें मिल पाया है। कमाल की बात तो यह है कि उनके पास अन्नदाता का राशन कार्ड भी नहीं है। एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है गरीबों को योजनाओं के बारे में, लेकिन यहाँ पर तो सरकार की योजना एक दिव्यांग के लिए पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। जी, आपका नाम? मोहम्मद राशिद। राशिद भाई, ये दुकान आप कितने वर्ष से चला रहे हैं? लगभग 20-25 साल से। आपको जो ये आंखों की प्रॉब्लम है, ये कब से है? बचपन से ही है। तो आप ये टीवी और मोबाइल और ये सामान जो है किस तरह से बनाते हैं? जब आपकी आंख से देख नहीं पाते, तो आप किस तरह से बना लेते हैं? ऐसा है, हम दिल्ली गए थे पढ़ने पचकुइया रोड अनविद्यालय में, तो वहाँ कुर्सियों का और पढ़ाई का काम सिखाया जाता है विकलांग आदमियों को। कुछ वहाँ से सीखा, कुछ अपने दिमाग से सीखा, और कुछ एक दो के पास बैठ के सीखा। तो भैया, इस तरीके से हमने ये काम सीखा। आपको कैसे पता चल जाता है कि टीवी में या मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है? टीवी में हमारे सामने कोई भी बंदा बैठा हुआ होता है, वो बताता है कि किस तरह का टीवी चल रहा है या किस तरह का नहीं, वो दूर हम खुद करते हैं। मोबाइल में कैसे पता चलता है कौन सी कंपनी का मोबाइल है और ये कैसे क्या प्रॉब्लम है? ये तो हम पिछले कम से कम 10-12 साल से करते आ रहे हैं, तो भाई अनुभव तो हो ही जा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? किरतपुर, जिला बिजनौर। आप की और क्या क्या यहाँ परेशानियाँ बनी हुई हैं? आपको क्या सरकार ने किसी की तरफ से कोई मदद मिला है अभी तक? मदद? मैं वहाँ गया था नजीबाबाद, भी कम से कम 25-30 चक्कर हो चुके। इंस्पेक्टर से बात करी तो इंस्पेक्टर कहता है तू इस काबिल नहीं है, तो यहाँ से चला जा। दीपिका बोलती है कि इनसे बात करो, इंस्पेक्टर अमित से। तो अमित कहता है मैंने इंस्पेक्टर SDM साहब से बात करी, SDM साहब ने लिख के दे दिया। तो इंस्पेक्टर कहता है कि अगर तुझे SDM हवाई जहाज को कह दे, तो क्या हवाई जहाज दे देगा SDM? हमारे पास कोई जगह नहीं है तेरी। लड़की एक मोबाइल लेकर आई थी, तो यूँ सोच रहा कि मेरी मीडिया बना रहे हैं ये, तो यूँ बोल रहा कि लड़की को मोबाइल लेकर आया तू मेरे पास, या तेरा कोई काम नहीं होने का। अमित जी किस विभाग में है? नजीबाबाद तहसील में। आप उनके पास किस काम से गए थे? हम तो देखे राशन के मामले में कम से कम पिछले 2.5 साल से चक्कर काट रहा हूँ, और जो मालदार हैं उनके हम तो देखे कार्ड हैं, और जो मतलब एक नाबीना नेत्रहीन दोनों आंखों से, उसका कोई काम नहीं हो रहा। आपका राशन कार्ड नहीं है? नहीं, BPL का है, मैं तो देखा चाह रहा था। अच्छा, BPL का है, वो भी इंस्पेक्टर भटनागर जी के दौर में ही बन चुका था कभी। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? अजी, सरकार से हम क्या चाहेंगे, सरकार से तो हमें कभी 2 रुपए की मदद नहीं मिली, और बल्कि थोड़ा सा हमने सामान लगाया था अपना दिवाली का, तो वो सोनू पुलिस वाला और लाठी दोनों बोलते हैं तेरे को अंदर डाल देंगे, तू हमें जानता नहीं। तो अभी आप अपना रोजगार कैसे कर रहे हैं? कितने बच्चे हैं आपकी फैमिली में? आपकी कौन कौन मेंबर है आपकी फैमिली में? भाई, मेरी फैमिली में कोई नहीं है। दूसरी बात यह है कि मेरे को कोई सरकारी मदद नहीं मिली, लोगों के अपने मकान आ चुके सरकार से, हमें तो एक मकान तक का नहीं मिला। SDM साहब ने लिख के भी दे दिया था, और ज्ञानेश्वर को फ़ोन करा था, तब भी हमें कोई मकान या किसी तरह का कोई समाधान हमारा तो आज तक हुआ ही नहीं। और बल्कि एक विकलांग सर्टिफिकेट होता है, वो हम बनवाने गए थे, तो वो भी CMO ने किसी दौर में 40% में कर दिया, जबकि 100% हम विकलांग हैं।